तो मंथरा और गंभीर होकर के और फफक फफक करके रोने लगे। जो उस पर ऐसा आक्षेप किया गया कि वो विकलांग है, कुंवर है उसके पीठ पर, ये बहुत दुख की बात है। वास्तव में किसी विकलांग को यदि कहिए कि तुम विकलांग हो तो उसे बहुत दुख होता है। तो जो भी हो, मंथरा को इसने बड़े बड़े कठोर शब्दों में व्यवहार किया, उसे बोली। तो मंथरा रोने लगी और फफक फफक कर रोने लगी, कुछ जवाब नहीं दी। तब कहते, देखिए कमजोरी कई कई की। प्रिय बा दिन सिख दीन है ऊ तो ही, सपने हूं तो पर को पन मोही। हे प्रिय वचन बोलने वाली मंथरा, सपने में भी मेरे हृदय में तुम पर क्रोध नहीं हो सकता है। मैं जो कुछ बोली क्रोध से नहीं बोली हूं, बुरा मत मानना। पुचकारने लगी, अरे नहीं नहीं, उसका आंसू पोछने लगी अपने आंचल से। नहीं नहीं नहीं, बोल दिया, इतने चिंता मत करो। प्रिय वादिनी सिख दीन है तो ही, तुमको मैंने थोड़ी सी शिक्षा दिया, उपदेश दिया, बाकी मेरे हृदय में कोई क्रोध नहीं है। सपने में भी क्रोध नहीं हो सकता है, जागृत में कैसे होगा? कभी सपना भी नहीं देखूंगी कि मैंने कुंवरी पर क्रोध किया है। देखिए इसकी बात, सपने में भी क्रोध नहीं है। तुम प्रिय वादिनी हो, तुमने प्रिय वचन कहा है, यह कहा है कि राम का कल राज्याभिषेक होगा। इस शब्द के समान, इस वाक्य के समान मेरे लिए कोई प्रिय वाक्य नहीं है इस संसार में। मैं तो मनाती रहती हूं कि कब राम का राज तिलक होगा, हमेशा मनाती रहती हूं। इसलिए तुम प्रिय वचन बोली हो, इस कारण से हम सपने में भी तुम पर मेरा क्रोध नहीं होगा। लेकिन कारण पूछने लगी, यह है कमी, यह मनुष्य मात्र की कमी है, लेकिन स्त्रियों में विशेष कमी होती है। सुनने लगती, इतनी विरुद्ध बात सुनना नहीं चाहिए था। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा जेहि दिन फूर होई। मंथरा, वही हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा और सुमंगल देने वाला, जो तुम्हारा कहा हुआ वचन सत्य होगा। जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा, उस दिन से बढ़ करके मेरे जीवन में कोई सुमंगलदायक दिन नहीं होगा। तो बहुत अच्छा तुमने सूचना दिया, और इस सूचना के कारण मैं तुमको मनमानी वस्तु देना चाहती हूं। कोई भी रत्न हार आदि तुम मांग सकती हो। और इसके बाद समझाते, देखो तुमने कहा कि राम का राज्याभिषेक महाराज करा रहे हैं कल, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये नियम है रघुवंश का कि बड़ा भाई स्वामी होता है, राजा होता है, और छोटे भाई उसके सहायक, उसके सेवक जैसे होते हैं। यह रघुवंश की बहुत सुहावनी रीति है। यह दिन कर कुल रीति सुहाई। किस तरह से रानी कैकेयी अपने वंश के इस परंपरा का स्वागत कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो सामान्य भी, अगर कोई बड़ा भाई है तो राजा बनता है, फिर राम के लिए तो कहना ही क्या। राम तो समस्त गुणों से विभूषित हैं। एक चौपाई में छोड़ दिया, जब उसने यह भी कहा था, जब मंथरा यह कही कि राम को छोड़कर के किसका कुशल है, ये है वो है, तो रानी ने ये इतना तक डांटा था और कहा था, पुनियस बहुरी कह सिघर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाव उतोरी। यदि फिर जबान खोली ना इस तरह की, अरे घर फोरी, हमारे घर में झगड़ा लगाने वाली, अगर ऐसी बात फिर बोली तो तुम्हारी जीभ उखड़वा लूंगी, जिसे जीवन भर तुम नहीं बोल पाओगी। घर फोरी कहेगी इस तरह से बोली थी। और अब क्या चापलूसी कर रही है कई कई कि नहीं, तुमने जो हमें सूचना दिया वही सबसे सुखद दिन है,
और रहुकुल की रीति है, तुमको इसमें दुख नहीं होना चाहिए। तो राम तिलक जो साचे काली, देव मांग मन भावतियाली। अगर सचमुच राम का कल राज तिलक है तो तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांगो, मैं इतना प्रसन्न हूं ये समाचार सुनकर कि तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी कर सकती हूं, तुम मुझसे मांगो। सचमुच राम का राज्याभिषेक है ना, ये सुनकर के तो और दुखी होती थी वो मंथरा, और दुखी होती थी। और भगवान श्री राम के विषय में मां कैकेयी कहती है, कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। देखो राम ऐसे हैं कि वे सभी माताओं से कौसल्या जैसा ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। कौसल्या को जितना मानते हैं उतना ही सुमित्रा को भी मानते हैं और हमें भी मानते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मुँह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। हमने तो राम की अनेकों बार प्रेम की परीक्षा ली है कि हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो हम पर वे सदा कौसल्या जी से भी अधिक प्रेम करते हैं। ये कैकेयी की का विचार है। देखिए ये कॉन्शियसनेस, चेतना, कितनी निर्मल भावना है भगवान के प्रति, भगवान में प्रेम है। तो कहती है मुँह पर कर ही स्नेह विशेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सभी माताओं से। विशेखी का यहाँ अर्थ है कि कौसल्या जिसे ज्यादा प्रेम करते हैं हमसे, मैं बार बार परीक्षा लेकर के देखी हूं। और मैं तो मनाती हूं कि यदि फिर से हमें मनुष्य जन्म मिले और मैं यदि स्त्री बनूं तो राम मेरे गर्भ से जन्म ले, यही मेरी अभिलाषा रहती है। जो विधि जन्म देई कर छो हूं, हो हूं राम सिय पुत पतो हूं। मैं विधाता से, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूं कि जब भी मुझे मनुष्य शरीर मिले और कदाचित दैव जोग से मुझे स्त्री का शरीर मिले तो राम मेरे गर्भ से जन्म ले, मेरे पुत्र बने और सीता मेरी पुत्र वधु बने। कितना निर्मल भाव है, जो विधि जन्म देई करी छो हूं, छो करके यदि ईश्वर को मेरे प्रति छो हो, दया हो और मुझे वो मनुष्य जीवन दे, स्त्री का शरीर दे, तो मैं यही फिर मांगती हूं विधाता से कि राम मेरा पुत्र बने और सीता मेरी पतोहू बने। इतना भाव व्यक्त कर रही है, पर गलती क्या हो रही है कैकेयी की, वो जो उसके मुख से सुनना चाहती है यही सबसे बड़ी गलती है। सुनने पर उसका चित बदल जाएगा। प्राण समान राम प्रिय मोरे, तिन के तिलक छोभ कस तोरे। श्री राम मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। प्राण समान राम प्रिय मोरे, प्राण के समान प्रिय। प्राण कितना प्रिय है व्यक्ति को। यदि किसी का कंठ दबाया जाए, नाक दबाई जाए, सांस लेने के लिए बंद कर दिया जाए तो कहेगा अरे छोड़ रही छोड़, आए हाय मर जाएंगे। इसको प्राण कहते। तो प्राण के समान श्री राम प्रिय हैं। ऐसे श्री राम के राज तिलक से तुमको दुख क्या है, क्यों दुख है, क्यों सुख हो रहा है, क्या जरूरत थी सुनने की, उसको शोक हो या खुशी हो, वैसे थर्ड क्लास की स्त्री के मुख से क्या सुनने की जरूरत थी। शास्त्रों के द्वारा ये सिखाया जाता है, इतिहास बताता है कि मनुष्य को कैसे सावधान रहना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। कौशल्या जी से प्रेम था कैकेयी को, सुमित्रा से प्रेम था, लक्ष्मण से, श्री राम से तो कहना ही क्या, और महाराज दशरथ से प्रेम था, पतिव्रता स्त्री थी वास्तव में, लेकिन उसने कुसंग किया। एक बहुत नीचे लड़की की बातों को उसने सुना और उसको अपना सलाहकार रखी थी, रात दिन किसी बात को बताती रहती थी उसे, यहां तक कि अपने
पति के साथ जो कैकेयी की बात हुई थी पहले, बहुत वर्ष पहले, जब स्वर्ग में गए थे राजा दशरथ, और उस समय क्षत्रियाणी होने से कैकेयी ने अपने पति को युद्ध में सहायता किया था, उस बात से महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न थे और इतना खुश थे कि उन्होंने कह दिया कि तुम दो वरदान मुझसे मांगो, कोई भी चीज मैं दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। यद्यपि यह भी गलती थी, राजा दशरथ काम के अधीन थे कैकेयी के प्रति। कैकेयी बहुत सुंदरी स्त्री थी और महाराज की सेवा भी उसने किया था, इसलिए वो उसको अधिक मानते थे। पर अधिक मानने का यह अर्थ नहीं है कि तुम कह दो कि जो भी मांगो, स्त्री को इतना छूट नहीं देनी चाहिए। पति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि स्त्री को कहे कि तुमको जो भी मांगना हो मांगो, ऐसे नहीं कहना चाहिए, कुछ रिजर्वेशन के साथ देना चाहिए, फ्री नहीं कर देना चाहिए, जो भी मांगो। तो मांग तो दी एक दिन कि राम को वन में भेज दो और भरत को राज दे दो। यद्यपि कैकेयी वास्तव में राजा दशरथ से प्रेम करती थी, उसने टाल दिया, कहा नहीं नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है, आप सब कुछ देते ही रहते हैं, मैं क्या मांगू। तो उसने ऐसे टालने के लिए कह दिया था, ठीक है बाद में मांग लूंगी। पति इतना मानते हैं कैकेयी को कि कैकेयी जब आई अयोध्या तो इस गुप्त बात को पति के साथ जो उसका परामर्श हुआ था, समझा हुआ था, जो पति ने प्रसन्न होकर के जो उसको कुछ देने का वचन दिया था, इस रहस्यमय वार्ता को आकर के उस थर्ड क्लास की दासी से बताई, देखी कमजोरी है क्या, वही सलाह लेने योग्य थी, वही महामंत्री थी, उससे क्या कहना था। जब पति इतना प्रेम करता है तो इस संबंध को पति तक ही सीमित रखना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं कि उन्होंने दो वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांगो। इस बात को मंथरा याद कर चुकी थी और इस समय जब राम को वन में भेजना था तो यही वर काम में आया। मंथरा ने ही ये बताया था कैकेयी को कि ये वर मांगो, सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। अपने पुत्र को वर राज्य मांगो पुत्र के लिए और राम को वन में फेंको, वनवास डालो, और इस तरह से अपने सौत के उल्लास को हर्ष को तुम खींच लो, इस तरह से कही थी। तो इतिहास द्वारा बहुत शिक्षा मिलती है, मनुष्य कहाँ ठोकर खा जाता है, कहाँ गिर जाता है, कहाँ सावधान रहना चाहिए। राजा दशरथ की देखिए कमजोरी, वे भगवान से बहुत प्रेम करते थे, राम के विरह में वो तो जिए नहीं, परंतु इसके साथ ही साथ वो अपनी स्त्री में बहुत आसक्त थे। उनको सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में स्त्रैणस्य कहे, स्त्रैण, स्त्रैण का अर्थ होता है जो स्त्री का दास होता है, स्त्री को ही अपने जीवन का सब कुछ समझे, परम लाभ समझे, उसको स्त्रैण कहते, स्त्री दास, स्त्री का गुलाम। इतना बड़ा राजा और भगवान से इतना बड़ा प्रेम, लेकिन इधर अपनी पत्नी को भी कह रहा है कि जो भी मांगना हो मांगो, ये भूल हो रही थी, उसको ऐसे वरदान नहीं देना चाहिए था। और वो तो भूल हुई, कैकेयी जी की क्या भूल थी, वो आ करके मंथरा से बात कर रही थी इस विषय में और उसकी बात सुनने लगी। तो अब पूछ रही है कि राम के राज तिलक से तुमको क्यों दुख है, क्यों, क्या दुख है जब सुनाओ। उसको उत्कंठा होने लगी, डांटी थी तो भगा देना चाहिए था, लेकिन सुनने लगी, यही कमी थी। और यहां तक कि भरत जी का शपथ भी दे रही है, राम शपथ तो ही सत्य कहू, भरत शपथ, हाँ भरत सॉरी, भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराव, हरस समय विस्मय करसी, कारण मोही सुना। तुम्हें भरत की सौगंध, तुम हमसे कपट मत करो, दुराव मत करो, लिखिए इस तरह की बात,
कपट और दुराव के अलावा उसको कुछ करना ही नहीं था, और कहे तुम्हें भरत की क्रिया, भरत का शपथ दिला रही। ऐसे ऐसे शपथ देने पर उसको विश्वास है कि मंथरा झूठ नहीं बोलेगी, जबकि वो झूठ बोलने में एक नंबर की थी, पर कैकेयी जी की गुण बुद्धि थी उस मंथरा में। तो भरत जी का शपथ दिला करके कहती है कि परिहरी कपट दुराव, देखो कुछ छिपाओ मत और कपट मत करो, ये बताओ कि इस हर्ष के समय, इस महान उत्सव के समय तुम विषाद कर रही हो, इसका क्या कारण है, क्या जरूरत है तुमको सुनने की। अजीब अजीब भूल होती है बड़े बड़े लोगों से भी, कारण मोही सुनाओ, क्यों कारण सुनना चाहती हो, क्या वही भागवत है। अरे भागवत सुनो, पढ़ो इतिहास, रामायण महाभारत, उस थर्ड क्लास की स्त्री से ये सब क्या सुनना था। और जो पहले इतना खतरनाक बात बोल चुकी है फिर भी उसको कहती है कि कारण मोही सुनाओ, और कपट छोड़ करके, दुराव छोड़ करके बोलो, उसके कहने से दुराव छोड़ने वाली थी। लोग ऐसे काना फूसी करते आपस में, बिल्कुल देखो इस बात को किसी से मत कहना, केवल तुमसे कह रहा हूं, न कहने की परंपरा चल देती है। वो दूसरे से कहता है आपसे कह रहा हूं, दूसरे से मत कहना, कपट मत करना, पर उसको कपट करना ही है। मंथरा इस तरह की स्त्री थी जो कपट करना ही उसके जीवन में एक काम था, और उसको कह रहे हैं कि परिहरी कपट दुराव, कपट और दुराव छोड़ करके हमसे कारण बताओ कि इस खुशी के समय तुमको क्यों दुख हो रहा है, क्यों विषाद हो रहा है। और पहले कहे थी कि अगर दोबारा बोली ना तो जीभ उखड़वा लूंगी, और उखड़वा भी सकती थी, उस समय तो उस पर केस भी नहीं हो सकता था, तो रानी थी, उसके ऊपर कोई था नहीं,